हे गाइस, इस वीडियो में मैं तुम्हें हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज क्रिएट्रिक्स की, जो लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, और इसके क्या फीचर्स हैं और कैसे हमने डिज़ाइन की है उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन दिस वीडियो, मैं एक टेस्ट सीरीज का वैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज, व्हाई टेस्ट सीरीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले तो ये है कि टेस्ट सीरीज अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि गेट का कॉम्पिटिशन मैकेनिकल में तो हद ही ऊपर पहुँच चुका है। ठीक है, तो तुम्हें स्टैट्स भी बताए थे शायद मैंने पिछली वीडियोस में। तो प्रीवियस ईयर अकेले करने से बहुत अच्छा रैंक लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या होता है कि आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ओके, ताकि क्योंकि गेट के पेपर में भी ऑब्वियसली नए क्वेश्चंस आएंगे, तो नए क्वेश्चंस पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे, तो वहाँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो टेस्ट सीरीज का एक तो ये मोटिव होता है कि आपको नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो टेस्ट सीरीज प्ले करती है वो है कि टाइम लिमिट में आपको कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो गेट के पेपर में भी 3 घंटे होते हैं, तुम्हारे पास 65 क्वेश्चन होते हैं, तो एक टाइम लिमिट है, एक टाइम बाउंडेशन है। और जब टाइम बाउंडेशन में तुम्हें वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहाँ तुम टाइम बाउंडेशन में प्रैक्टिस करके नहीं गए, ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, तो डेफिनेटली वहाँ प्रेशर रोल प्ले करेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमें मतलब अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टेस्ट सीरीज की, उतना आसान लगता है गेट का पेपर। इनफैक्ट जब मैंने गेट दिया था तो मैंने इतनी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे गेट के पेपर में भी यही लग रहा था कि मैं एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी। तो इसीलिए मैं तुम्हें ना रेकमेंड करूँगा कि मतलब दो टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट सॉल्व करो ही करो, पूरी सॉल्व करो, दो टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व करो। और तीसरी सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि तुम्हें ये पता लगता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा रैंक आएगा टेस्ट सीरीज पे कि इतने बच्चों ने दिया और तुम यहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ है वो भी टेस्ट सीरीज से ही पता लगता है तुम्हें, है ना। तो अगर नहीं लगाते हो टेस्ट सीरीज तो पता ही नहीं रहेगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो या कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है तुम्हें। और टाइम लिमिट में कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केयरलेस मिस्टेक करते हैं। वो किस लिए करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट होती है। अगर टाइम लिमिट नहीं होती है तो तुम बड़े मज़े से सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइम लिमिट में एक प्रेशर कभी कभी रोल प्ले कर जाता है। क्या होता है कि कभी स्टार्टिंग में तुमने किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो आगे टाइम कम बचेगा, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वो प्रेशर रोल प्ले करने लग जाएगा। तो वो कैसे हैंडल करना है वो टेस्ट सीरीज लगाने से पहले, लगाने से तुम्हें पता लगेगा। तो टेस्ट सीरीज मतलब दे फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेट प्रिपरेशन, और इसको तो निगलेक्ट तुम कर ही नहीं सकते हो। मतलब यू मस्ट बी नोइंग दिस कि टेस्ट सीरीज के बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि दो टेस्ट सीरीज तो लगानी चाहिए यार, दो टेस्ट सीरीज तो तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए, प्रॉपरली सॉल्व करनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, नए क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें सॉल्व करने के लिए। और उसी के बेसिस पे हमने ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है। और जैसे इसमें 26 सब्जेक्ट टेस्ट है, 29 पार्ट टेस्ट है, 27 नहीं 29 पार्ट टेस्ट है, और 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। ओके, तो सपोज तुम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो, हम लोग टेस्ट सीरीज पे चले जाते हैं, सपोज तुम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो या थर्मोडायनेमिक्स से तुमने स्टार्ट किया है, तो ये पार्ट टेस्ट का कॉलम है। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला पार्ट टेस्ट, तो यहाँ पे लिख दिया है कि इस टेस्ट में ये सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इन इन टॉपिक से इस टेस्ट में क्वेश्चन हमने सेट किए हैं। तो सिलेबस हमने दे रखा है, उस हिसाब से हमने पार्ट टेस्ट डिज़ाइन किए हैं। और पार्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट, तीनों टेस्ट ऐसे डिज़ाइन किए कि वो गेट लेवल क्वेश्चन ही होंगे, ईजी क्वेश्चन भी होंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चन भी होंगे, और ऑफकोर्स हार्ड लेवल क्वेश्चन भी होंगे। और उनका प्रपोर्शन उसी वे में सेट किया गया है जिस वे में गेट में एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, और देख लेते हैं, एक पार्ट टेस्ट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जैसे क्या क्या फीचर्स है, उससे तुम्हें पता लग जाएंगे, तुम्हें इंटरफेस भी पता लग जाएगा टेस्ट सीरीज का। जैसे खोल लेते हैं, सो
तो टेस्ट तुम मतलब टेस्ट खुल जाएगा, तुम ले सक मतलब टेस्ट सॉल्व कर सकते हो तुम। मैंने जस्ट ऐसे ही सबमिट कर दिया था, और तुम्हें इंटरफेस दिखाने के लिए। तो जैसे वही मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, NAT क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो गेट रेलेवेंट क्वेश्चंस ही होंगे। ओके और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है। जैसे इसमें चले जाओ, सेकंड में चले जाओ, हर क्वेश्चन का तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। प्लस एक और हमने फीचर डाला है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या फिर जहां एक इम्पॉर्टेंट टिप देना बनता है, जहां तुम गलती कर सकते हो, वहां पे हमने सॉल्यूशन के नीचे ऐसे टिप लिख दिया। जैसे एक क्वेश्चन है तो इसमें हमने टिप लिख दिया कि टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन लेने ही भूल जाते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये एक टिप हमने ऐड कर दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे सी सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा इसका, प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, और यू कैन सी गेट लेवल क्वेश्चंस ही हैं सारे, है ना। ये देखो जैसे इसमें भी हमने एक टिप डाल दिया है यूनिट से रिलेटेड, कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि बच्चे यहाँ यहाँ तो मीटर पर सेकंड में डाल देते हैं, वहाँ किलो जूल पर किलोग्राम में ही जाने देते हैं। एच या तो इसको 2000 बना दो, अगर किलो जूल पर किलोग्राम में डालना है इसको, या फिर इसको जूल पर किलोग्राम में डालो, अगर इसको मीटर पर सेकंड में डालना है ना। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स डाले हैं जहाँ पे तुम लोग गलती कर सकते हो। तो ऐसा इंटरफेस है, और मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही हार्ड लेवल क्वेश्चंस है या बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, मिक्स क्वेश्चंस है। जैसे गेट में आते हैं, मतलब बेसिकली गेट को ही हमने माइंड में रख के बहुत केयरफुली डिजाइन किए हैं टेस्ट सीरीज। ओके तो जैसे इसमें भी कोई टिप है, जैसे इसमें टिप आ गया वही, तो यस सो यू कैन सी काफ़ी टिप्स हमने डाल दिए हैं, जहाँ जहाँ नेसेसिटी है वहाँ वहाँ डाले हैं, जहाँ जहाँ तुम लोग गलतियाँ कर सकते हो। ओके और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमने डाला है, वो है रिपोर्ट क्वेश्चन का। तो बाई चांस तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो तुम क्या कर सकते हो कि रिपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया, रीजन दो, जो भी रीजन तुम्हें लग रहा है, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, आंसर इनकरेक्ट है, सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, फॉर्मेटिंग इशू या कुछ भी है। वैसे तो हमने पूरा ट्राई किया कि ये सब सही रहेंगे, बट अगर आई मीन ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं कभी कभी, वैसे तो नहीं होंगे, बट अगर आ गए तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिपोर्ट द क्वेश्चन और मैसेज लिख सकते हो। और ये पर्सनली मैं खुद ही देखूंगा, मतलब जो तुम्हारे रिपोर्टेड क्वेश्चन होंगे वो पर्सनली मैं ही चेक करूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ गलती होती है तो उसी टाइम रेक्टिफाई कर दिया जाएगा क्वेश्चन, और तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये क्वेश्चन रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हमने डाला है, और इस फीचर को स्पेसिफिकली स्पेशली मैं ही हैंडल करूंगा इस इशू को, जो भी रिपोर्टेड क्वेश्चंस होंगे। ओके ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। दूसरा ऐड बुकमार्क, अगर क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको बुकमार्क कर सकते हो, इनफैक्ट उसको नोट्स अपने नोट्स के साथ बुकमार्क कर सकते हो। सपोज तुम्हें एक क्वेश्चन अच्छा लगा और उसमें तुमने कुछ सीखा है, तो उसको बुकमार्क करो और नोट का कॉलम आ जाएगा, उसमें अपना एक नोट भी लिख सकते हो, ताकि अगली बार जब तुम रिवाइज करो उसको तो वो नोट तुम्हें दिख जाए और रिविजन करने में आसानी हो। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, ऐड बुकमार्क क्वेश्चन विद नोट, जो भी तुम लिखना चाह रहे हो, है ना। तो जैसे ये तो पार्ट टेस्ट थे, और सब्जेक्ट टेस्ट में तुम्हें दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट टेस्ट में जैसे मैंने ये एक जैसे सबमिट कर दिया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट टेस्ट है। सब्जेक्ट टेस्ट कितने थे, 26 सब्जेक्ट टेस्ट है। तो मैकेनिक्स के दो हैं, प्रोडक्शन के दो हैं, एप्टीट्यूड है, थर्मो के दो हैं, हीट ट्रांसफर के हैं, मतलब काफ़ी नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे तुम्हें। पार्ट टेस्ट में जैसे 15 क्वेश्चन है एक पार्ट टेस्ट में, सब्जेक्ट टेस्ट में वही 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसी के प्रोपोर्शन हमने टाइम सेट किया है। ओके और फुल टेस्ट तो वही, फुल टेस्ट तो पूरा गेट पैटर्न पे है, आई मीन 65 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स। तो जैसे ये मैंने एक सबमिट कर रखा है, इसको देखते हैं, तो कुछ बच्चों ने दिया भी है अभी। तो सेम वही है, आई मीन 20 क्वेश्चंस हैं, और 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं,
दो मार्क के क्वेश्चन है, सिंपल मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वही रिपोर्ट क्वेश्चन का, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट सीरीज बना दी छोड़ दी, मतलब हम लोग देख नहीं रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में तुम रिपोर्ट क्वेश्चन में जाके रिपोर्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और मैं उसको जैसे ही देखूंगा रेक्टिफाई कर दूंगा, मतलब साथ के साथ ही। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर रहेगा तुम्हारे लिए, और ऐड बुकमार्क विद नोट वाला फीचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम अपने नोट्स लिखना चाहते हो उस क्वेश्चन के साथ, बुकमार्क तो कर लिया बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम क्लिक किया है वो जो लिख वो जब यहाँ पे लिख लोगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ऐसे प्रॉपर एक डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे तुम्हें। सो सब मतलब बेसिकली हमने गेट को माइंड में रख के ही टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। तो ये हमारा इंटरफेस है टेस्ट सीरीज का, ओके। एंड फुल टेस्ट तो वही 65 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स, ओके। सो 26 सब्जेक्ट टेस्ट हैं इसमें, ओके। और सिलेबस लिख रखा है, तो जैसे जैसे तुम सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो या सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तुम उस हिसाब से टेस्ट सीरीज टेस्ट लगा सकते हो। और टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि मतलब टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो ट्रूथ है थोड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छा रैंक लाना, क्योंकि तुम अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे यार, और जब तक एनालाइज नहीं करोगे तो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे, और गेट का कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है इस टाइम मैकेनिकल का तुम्हें पता ही है, तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई चीज़ छोड़ के जा सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ तो वैसे भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट प्रिपरेशन का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टेस्ट सीरीज़ मैकेनिकल की जो लॉन्च हो चुकी है, और इसमें मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए हैं और इंटरफेस भी दिखा दिया है, और हम लोग तुम्हारे टच में ही रहेंगे हमेशा, है ना। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो तुम रिपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर अगर डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था, गेट एस्पिरेंट्स MECE CSE वाला, तो उस पर तुम टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में कुछ और प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हो, वैसा ऐसा चांसेस कम होंगे बट फिर भी। और अगर डाउट आ रहा है तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया तुम्हें कि हमारे फेसबुक ग्रुप पे तुम आ सकते हो और वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो, मैं हूँ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा तुम्हारा सॉल्व कर सकते हैं। फेसबुक का ग्रुप है गेट एस्पिरेंट्स MECE CSE, ओके। सो थैंक्स।